हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। सुशांत केस में लगातार सीबीआई सुराग की तलाश में जुटी हुई है। आज भी सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ, सुशांत के साथ नीरज और दीपेश सावंत से पूछताछ जारी है। देखिए, सुशांत केस में लगातार सीबीआई सुराग की तलाश में है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ जारी है। सुशांत के साथ नीरज और दीपेश सावंत से भी सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। और लगातार इस केस में सीबीआई एक्शन में नजर आ रही है। पिछले तीन दिन से कल सीबीआई की टीम सुशांत के घर पर पहुंची थी, जहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया और इसके लिए सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और उनके दोनों स्टाफ को भी लेकर गए थे। और देखिए, सबसे पहले आपको डीआरडीओ गेस्ट हाउस लेकर चलते हैं। वहां पर मनोज वर्मा और ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ दोनों संवाददाता मौजूद हैं इस वक्त। ज्ञानेंद्र, मुझे बताइए क्या है इस वक्त ताजा अपडेट वहां से। जो लोग हमसे अभी जुड़े हैं आदर्श, उनको बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि आज दिन भर हलचल कहां थी। हलचल कहां थी, सबसे पहले वो बताऊंगा कि हलचल कहां थी। कल सुशांत के घर में हलचल थी, लेकिन आज जो हलचल है वो इस डीआरडीओ गेस्ट हाउस में है, जहां सीबीआई ठहरी है। क्यों हलचल है और क्या खबर वहां से छन कर आ रही है? दरअसल, जो भी सुशांत आत्महत्या के दिन सुशांत के घर में थे, वो तमाम लोगों से पूछताछ एक के बाद एक की जा रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं, लगातार लंबे समय से क्राइम कवर करते हैं मनोज, सीबीआई अंदर क्या पूछताछ कर, किस तरह से कर रही है, क्या पैटर्न है, वो तमाम चीज हमें मनोज बताएंगे, क्योंकि मनोज के पास पल पल की जानकारी है। कल वो सुशांत के घर में थे मनोज, आज एक बार फिर से नीरज और सिद्धार्थ यहां पहुंचे हैं। आपके पास जो सूत्र बता रहे हैं कि जो पूछताछ की प्रक्रिया है अब कैसी होगी, आमने सामने बैठे? देखिए ज्ञानेंद्र, नीरज है, सिद्धार्थ है और दीपेश है, तीनों अंदर मौजूद है और तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही है। पहले जो पूछताछ का दौर था वो चल रहा था नीरज और सिद्धार्थ के साथ, दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई, इसी ऑफिस के अंदर पूछताछ गई और उनसे ये जानकारी ली जा रही है कि क्या दोनों ने जो बयान दिए हैं वो एक ही जैसे दिए हैं या फिर अलग अलग दिए हैं। उसके बाद पहुंचा यहां पर दीपेश और दीपेश और फिर नीरज को बैठा करके पूछताछ की जा रही है। वो इसलिए की जा रही है कि उसने भी क्या सही बयान दिए थे। आदर्श, क्यों सामने एक बार अलग अलग पूछताछ होने के बाद क्यों आमने सामने बैठाया जाता, बहुत जरूरी है दर्शकों को जानना। और मनोज बताएंगे कि क्यों सीबीआई ये प्रक्रिया। ज्ञानेंद्र, आप अहम जानकारी दे रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा इस वक्त। हमारे साथ सुशांत के पिता के वकील, के सिंह साहब के वकील विकास सिंह जी जुड़ गए हैं। सीधा एक बार उनका रुख कर लेते हैं, मैं आप दोनों के पास लौट कर आऊंगा। विकास सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। अभी तक जिस तरह की पूछताछ की बात सामने आ रही है, आपकी जानकारी में भी वो होगी, कैसे देख रहे हैं आप उसको? देखिए, एक बहुत ही अहम बात है कि जो भी सुशांत के गले पे जो निशान था, एक बेल्ट नुमा निशान, जो मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ, तो कल मेरे को एक बहुत एमिनेंट डॉक्टर से बात हुई है। वो कह रहे थे कि अगर ये फोटो जेन्युइन है, मतलब अगर ये फोटो जो हमारे पास है, जो कि बहन ने ली है, तो जेन्युइन ही है, बट वो अपना अपने मतलब जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगी जेन्युइन है, तब तक वो कमेंट नहीं करना चाहेंगे। वो कहते हैं अगर ये फोटो जेन्युइन है तो फिर ये स्ट्रैंगुलेशन का ही डेथ है, इट इज नॉट अ डेथ बाय हैंगिंग। तो इसलिए ये सब बातें जो अभी आप जो चल रही है इन्वेस्टिगेशन इनके द्वारा, सीबीआई द्वारा, ये सब क्लियर पता चलेगा कि एक्चुअली क्या, किस सरकमस्टांस में हुआ वो, अगर हैंगिंग हुआ तो हुआ कि नहीं हुआ, और हैंगिंग का क्यों पिठानी जो फोटो खींच रहा था वहां क्रिमेशन पे, यहाँ पे बिना फोटो खींचे क्यों उतार दिया? फोटो खींचने के लिए देखिए कोई कैमरा नहीं लाना होता आज के दिन में जी। आज के दिन में हर के फोन में ही कैमरा होता है, एक सेकंड लगता है। अगर आप एक दो मिनट स्पेंड कर सकते थे ताले वाले को बाहर भेजने के लिए, तो एक सेकंड में फोटो तो बड़े आराम से ले सकते थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही गंभीर बात है, और मेरे को लगता है सीबीआई इस तह तक पहुंचेगी बहुत जल्दी कि एक तो फोटो क्यों नहीं लिया, और दूसरी बात कि अगर वो निशान, गर्दन पे जो निशान है वो उस कपड़े का निशान हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये जो अभी इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है इन लोगों के साथ, घर वालों के साथ, ये बहुत ही अहम इन्वेस्टिगेशन है। और इस इन्वेस्टिगेशन में देखिए कुछ ना कुछ इनकंसिस्टेंसी अगर तीनों के बीच में आएगी तो सीबीआई के पास बिल्कुल सुराग निकलेगा कि अल्टीमेटली इसमें हुआ क्या है। इस मामले में सारी गहराई पे जा पाएंगे और पता चलेगा इसमें हुआ क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही परिवार को जो डाउट लग रहा है अब कि कहीं ना कहीं इसमें कोई बहुत रहस्यमय डेथ है जी, और हैंगिंग का डेथ कम लग रहा है जैसे कि इसमें इनको मर्डर किया गया है, और उस मर्डर में कौन कौन किरदार है उसका जल्दी से जल्दी खुलासा हो।
तो पता चले कि हाँ क्या ये सारी कॉन्स्पिरेसी क्या थी। जी विकास सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, कल सीबीआई की जो टीम है साथ में सीएफएसएल की टीम भी सुशांत के घर पहुंची थी, जिस घर में वो रहा करते थे, और उन तीनों को लेकर पहुंची थी, दो स्टाफ और उनके दोस्त को, पूरा सीन रिक्रिएट किया गया और वहां से कुछ फोरेंसिक सबूत जुटाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन इतना वक्त बीत गया है उसकी उम्मीद थोड़ी कम नजर आ रही है। तो लग रहा है आपको जो दस्तावेज उनको मिले, जो रिपोर्ट्स उनको मिली, उसके आधार पर अब सीबीआई जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर पाएगी, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक काफी जानकारी आपके पास भी पहुंची होगी। देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा ना, वो बड़ा क्रूशियल होगा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डॉक्टरों को जब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और जब वो सारे फोटोग्राफ आएंगे नए पोस्टमार्टम टीम के पास, जो डॉक्टर गुप्ता की टीम बनाई गई है एम्स के, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, बड़े कम्पिटेंट डॉक्टर हैं और बहुत ही सिस्टमैटिकली चलते हैं, तो डॉक्टर गुप्ता के पास जब फोटोग्राफ सारी आएंगी और जब वो देखेंगे सारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे, तो डॉक्टर गुप्ता बहुत आसानी से इसका एक असेसमेंट ले पाएंगे कि ये हैंगिंग, और खास करके जब वो डॉक्टर गुप्ता को वो कपड़ा दिखाया जाएगा, जो कुर्ता दिखाया जाएगा, जिस कुर्ते से उन्होंने पिठानी क्लेम करता है कि वो हैंग करके मरे हैं, तो वो सब जब दिखाया जाएगा तो मेरे को लगता है कि, और उसके बाद जो सीन पे उन्होंने रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर आप हैंग करके मरना चाहते हैं तो आप, इसीलिए देखिए हर हैंगिंग में एक स्टूल होता है, और स्टूल को अगर आप पैर से किक कर देते हैं तो उसके बाद फिर आप स्टूल पे वापस नहीं आ सकते हैं, चाहे कितनी भी आपकी उस समय लास्ट में मंशा हो कि मैं अपने आप को बचा लूं, आप बचा नहीं सकते हैं। लेकिन एक बेड के बगल से हैंग करने में, जैसे ही आपको स्ट्रगल फेज आएगा ना, जिस समय आपको दम घुटने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आप बेड पे वापस आ जाएंगे, मतलब वो एक ह्यूमन नेचर है, उसको कोई बदल नहीं सकता, वो एक सृष्टि का एक नियम है, तो इसलिए वो नियम को कोई बदल नहीं सकता, इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि सुशांत जो है हैंगिंग से ऐसे हाइट से कूदे हो जहां पर कि पलंग से उनको निकल करके कूदना पड़े और पलंग से उनका बॉडी टच करता रहे, और उनकी लंबाई इतनी थी कि जमीन पर भी उनका पैर टच कर रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही रहस्यमय कहानी बनाई गई है, जो कि शुरू में परिवार ने विश्वास कर ली, क्योंकि मुंबई पुलिस और सबने इतना जबरदस्त एक हवा बना दिया सुसाइड का कि परिवार ने कहा कि अगर हम मर्डर बिना कोई तथ्य के कहेंगे तो बड़ा बेतुका लगेगा जी, लेकिन जिस तरह से पिठानी पलटा है और जिस तरह से उसने रिया को सपोर्ट करने की कोशिश की गई, उसके बाद से तो परिवार को बहुत डाउट है कि ये सुसाइड का केस लगता ही नहीं है, इसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, और वो रहस्य विकास जी एक और पॉइंट है इसमें, जो सुशांत का स्टाफ है नीरज, उसने सीबीआई को 3 पन्नों का बयान दिया है, उसमें उसने आशंका जताई है कि उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने आत्महत्या की होगी, ये आशंका उसकी तरफ से जताई गई है। देखिए, तबीयत खराब थी या नहीं थी, आत्महत्या इन परिस्थितियों में हो सकता था कि नहीं हो सकता था, पहला तो क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आत्महत्या मान भी ले कि उन्होंने आत्महत्या की है, तो क्या जो भी सरकमस्टांसेस है, उनके बॉडी के निशान और जो उनके बॉडी का कंडीशन, टाइम ऑफ डेथ नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्या टाइम ऑफ डेथ होना चाहिए था, क्योंकि अगर उनके उनके सारे सर्वेंट्स ने एक कहानी इंट्रोड्यूस की है कि मॉर्निंग में जूस पिया था और साथ साथ नारियल पानी पिया था, पहले तो 2 ग्लास नहीं मिले कमरे में, सिर्फ 1 ग्लास मिले, अगर जूस और नारियल पानी तो बिल्कुल अलग अलग ग्लास होता है, देखिए अलग अलग, वो इट हैज टू बी इन सेपरेट ग्लासेस, तो 2 ग्लास कमरे से नहीं मिले, 1 ग्लास सिर्फ मिला, और अगर ये दोनों पीने के बाद तुरंत अगर उसने सुसाइड किया है, जैसा कि इनका खुद का, इन सर्वेंट्स का कहना है, तो सारा नारियल पानी और जूस जो है, नारियल अनार का जूस, सारा पेट में इंटैक्ट होना चाहिए था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, तो इसकी कहीं ना कहीं एक सवेरे उठने की कहानी इंट्रोड्यूस की गई है, और वो कहानी सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस की गई है सुसाइड थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर वो टाइम ऑफ डेथ अगर मान लीजिए 10-12 घंटे पहले का है, तो डेफिनेटली ये नारियल वगैरह पानी पीने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इसलिए ये सारी बातें बड़ी अहम बातें हैं, और मेरे को लगता है कि जब ये टीम पूरी तरह से पहुंचेगी, ये सारा कुछ अपना इंक्वायरी करेगी, तो कहीं ना कहीं कुछ नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि ये मामला सुसाइड का है भी या नहीं है, अगर नहीं है तो कौन कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल है उनके मौत के लिए। जी बहुत अहम सवाल आप उठा रहे हैं विकास सिंह जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहे हैं हमारे साथ। देखिए एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, सुशांत का शव उनके कमरे से मिला था, उनकी मौत से पहले कमरा बंद था, जिसके बाद कमरे का ताला तोड़ा गया, कमरा खुला तो सुशांत के रसोइये नीरज ने क्या देखा, एक बार वो सुनिए पहले। तो सिद्धार्थ ने कमरा खोला, तब पूरा कमरा अंधेरा था और एसी चालू था,
तभी दीपेश ने कमरे की बत्ती चालू कर दी। सिद्धार्थ आगे बढ़ गया और अचानक बाहर आ गया। फिर जब दीपेश और मैं अंदर गए तो देखा कि क्या हुआ था। सुशांत सर खिड़की की तरफ मुंह करके और बिस्तर के किनारे हरे कुर्ते में पंखे से लटके हुए थे। सर, अगर आप सुन पाए हो विकास सिंह जी, तो ये वो बयान था जो जांच एजेंसियों के सामने नीरज ने, जो उनका स्टाफ है, उसने दिया था कि जब वो लोग कमरे में पहुंचे तो उन्होंने सुशांत के शरीर को लटकते हुए देखा था। कई सवाल आप उठा रहे हैं, कैसे इसको जोड़ रहे हैं? देखिए, बड़ी सीधी बात है, पिठानी जो वहां पे क्रिमेशन का फोटो ले रहा था, यहां पे क्यों नहीं फोटो लिया? दूसरी बात कि जब बहन 10 मिनट दूर थी, बहन रास्ते में थी, बहन पहले ही चल चुकी थी, जैसा पता चला कि कमरा बंद है, क्योंकि कमरा सुशांत कभी बंद करते नहीं थे, तो जैसे स्टाफ ने कहा कि कमरा बंद है तो वो घर से चल चुकी थी और 10 मिनट महज दूर थी घर से, तो अगर जब उन्होंने देखा कि सुशांत की मौत ऑलरेडी हो चुकी है तो कोई ना कोई घर वालों के सामने क्यों नहीं उतारा गया सुशांत को नीचे, क्यों उतार दिया जल्दी से उनको उनके आने के पहले? नंबर टू, फोटोग्राफ, जैसे मैंने पहले भी कहा, फोटोग्राफ नहीं लिया गया। नंबर थ्री, अगर जो उसका डेथ हुआ था हैंगिंग से, तो जो कपड़ा इस्तेमाल किया गया था हैंगिंग के लिए वो एक कुर्ता था, और उस कुर्ते का निशान जो है ना, इतना पतला और इतना यूनिफॉर्म निशान उस कुर्ते का हो ही नहीं सकता, अनलेस कि उसका क्लेम होता, इनका पिठानी का क्लेम होता कि उसके नाड़ी से उन्होंने अपने आप को हैंग किया है। अब नाड़ी जो है एक पतला रस्सी जैसा होता है, वो अगर हैंग हुआ होता तो उसमें आप कह सकते थे कि हाँ, एक यूनिफॉर्म निशान होगा, लेकिन वो किसी का केस नहीं है। सबका केस है कि कुर्ते का जो वो मोटा पोर्शन होता है ना, उस मोटे पोर्शन को बांध करके उन्होंने अपने आप को हैंग किया है, तो वो मोटा पोर्शन जो है पूरे गले को पकड़ेगा, निशान को एक जगह छोड़ने का मतलब ही नहीं है जी। वो जो है अल्टीमेटली दम घुटेगा आदमी का लटके, और जैसा लटकने की बात वो कह रहे हैं, उस लटकने में तो डेफिनेटली ये कभी मौत हो ही नहीं सकती, क्योंकि आदमी ऑटोमेटिकली अपने ह्यूमन नेचर से वापस आ जाएगा जब एकदम से, जब सांस एकदम लास्ट रह जाएगी ना, बचेगी बिल्कुल, जबकि एकदम लगेगा कि अब जांच, तब उस समय आदमी का ह्यूमन नेचर उसको वापस ले आएगा। तो इसलिए ये जो सारी कहानी है ना, इसमें बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं, और जल्दी से जल्दी सीबीआई इसके तह तक पहुंचे तभी परिवार को जस्टिस मिल पाएगा, नहीं तो अदरवाइज तो जिस तरह से मुंबई पुलिस ने इस मामले को रफा दफा करके रखा था जी। और सच्चाई से बहुत दूर एक अलग से इंक्वायरी पे चल रहा था, जहां पर कि नेपोटिज्म की बात हो रही हो, नेपोटिज्म कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होता है, तो अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज ही नहीं किया था तो फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोगों को किस बुनियाद पे बुला रहे थे जी। क्योंकि बाकी लोगों को इतना घंटों बुला करके, देखिए हर आदमी का टाइम कीमती होता है, किसी को आप इतना इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन जब कर ही नहीं रहे तो इतने लोगों को चार चार घंटे, पांच पांच घंटे पूरे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर सबको बुला बुला के दिन दिन भर इंक्वायरी करते थे, तो क्या चल रहा था? ये मुंबई पुलिस का तमाशा नहीं था तो और क्या था? विकास जी, सवाल अब जो ये तमाशा खत्म हुआ है, बीच में आपको रोक रहा हूं, सवाल और भी कई उठ रहे हैं विकास जी। कल उनकी एक पड़ोसी महिला भी सामने आई, उसकी तरफ से भी दावा किया गया कि जिस दिन ये घटना हुई उसके एक दिन पहले रात को, यानी 13 तारीख की रात को, बहुत जल्दी उनके कमरे की जो लाइट थी वो बंद हो गई, उनके फ्लैट की लाइट बंद हो गई। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था। बहुत सही बात है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इस कमरे में ऐसा हो रहा था जो कि वो चाहते थे कि जल्दी से लाइट बंद हो जाए, या तो उनका स्टाफ का कहना ये होता कि सुशांत बहुत जल्दी रात को सो गए और सवेरे उठे, जूस मांगा, ये सब कोई कहानी उनकी है भी नहीं, तो इसलिए अगर इस तरह से लाइट बहुत जल्दी बंद हो रहा है उनके लाइट का, और इस तरह के जो आर्टिस्ट होते हैं नॉर्मली ये लोग थोड़ा लेट सोते हैं, तो इसलिए अगर अर्ली लाइट बंद हुआ है तो ये भी एक इशारा कर रहा है कि कुछ वहां कुछ ऐसा हो रहा था जो कि पब्लिक के नजर से हटाने की बात थी, इसीलिए लाइट बंद कर दिया। क्योंकि कई बार क्या है ना, लाइट खुला होने से बाहर से दिखाई बहुत अच्छी होती है जी। और बहुत लोग आजकल बड़े बड़े कैमरास लगा लेते हैं, वो दूरबीन लगा लेते हैं पावरफुल, उसमें विंडो के अंदर देख सकते हैं, तो इसलिए लाइट बंद करना शायद इसलिए उन्होंने जरूरी समझा। तो ये सब बातें जो है बहुत अहम बातें हैं, और इन सब बातों से सीबीआई को डेफिनेटली एक दिशा मिलेगी, और उस दिशा पे जब आगे बढ़ेंगे तो नेचुरली उनको इसमें कुछ खुलासा होगा कि इस मामले में अल्टीमेटली हुआ क्या था और उनकी जान किस तरह से गई। क्योंकि आज के दिन में परिवार बड़ा व्याकुल है कि पता तो चले कि अल्टीमेटली कौन कौन जिम्मेदार है सुशांत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं, परिवार से जुड़ा ही एक सवाल है विकास जी, जो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अभी तक मुंबई पुलिस जांच कर रही थी, अब सीबीआई इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ा रही है, तो पिछले आज तीसरा दिन है, जो कुछ तीन दिन में जिस तरह से जांच आगे बढ़ी है उसको लेकर एक तो परिवार का क्या कहना है, और कौन कौन से वो बिंदु हैं जिन पर आप लोग, परिवार सब चाहते हैं कि इन पर जांच जरूर हो, इन पर रोशनी जरूर डाली जाए?
देखिए, जो परिवार का जो वो है चाह है वो मैं मीडिया पे नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि क्या है ना, आप भी समझ सकते हैं, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इन्वेस्टिगेशन में अगर हम सारी बातें आपके सामने इस चैनल पे बोल देंगे तो जो जो शक के दायरे में जो परिवार के मन में जो जो बातें हैं वो सब बातें जो है वो खुलासा हो जाएंगी, इसलिए वो बात बोलना ठीक नहीं है। हम तो सिर्फ उतनी ही बात करेंगे जो पब्लिक डोमेन में आ गया है और जो पब्लिक डोमेन के सामने जिस बात की चर्चा हो रही है। आप कह रहे हैं विकास सिंह जी, और उम्मीद सभी यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जो सच है वो सामने आए। और विकास सिंह, केके सिंह के वकील, सुशांत के पिता के वकील हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम अहम सवाल जो थे इस मामले में वो जानकारी दे रहे थे। देखिये, सुशांत मामले में लगातार सीबीआई जांच का दायरा बढ़ा रही है और एक बार फिर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में भी पूछताछ चल रही है सुशांत के दोनों स्टाफ और उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से। और उसमें सुशांत के घर का भी रुख करते हैं, जहां पर अंकित गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, कुछ ताजा अपडेट है वहां से? आदर्श, फिलहाल अगर जो दो मिनट का वक्त होगा तो मैं ये बता सकता हूँ कि पिछले जो दो दिनों के दौरान आखिर सीबीआई की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, इसको समझने के लिए हम सीबीआई की जांच का पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन देखना पड़ेगा। पहले दिन जो है सीबीआई ने नीरज जो नौकर था उससे पूछताछ की और उन पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की जो जिन्होंने जो है क्राइम सीन पर यहां पर पहुंचे थे जब जानकारी मिली थी। दूसरे दिन नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश को साथ में लेकर के यहां पर आई सुशांत के घर पर और यहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। तीसरे दिन आज जो पूछताछ हो रही है वो एक बार फिर से नीरज, दीपेश और सिद्धार्थ से हो रही है। तो ये साफ तौर पर इस बात को इशारा कर रहा है कि सीबीआई ने जो अपनी जांच शुरू की है वो फिलहाल इस एंगल पर शुरू की है कि जिस दिन सुशांत की मौत हुई है उस दिन क्या हालात थे, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा था, लगातार हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि सीबीआई ने जब इस मामले को टेक ओवर किया है करीबन 68 दिन बाद सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची थी जब मौत हुई सुशांत की, उसके बाद से लेकर के 68 दिन का एक लंबा वक्त था। लिहाजा सीबीआई की कोशिश यह है कि पहले उस दिन के बारे में जो पूरी जो एक छानबीन कर ली जाए, सबूत जुटा लिए जाए जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी। और इसी वजह से ये जितने किरदार हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसमें से दीपेश, सिद्धार्थ और जो नीरज है वो घर में ही मौजूद थे। जी, जाहिर सी बात है, उनसे पूछताछ फिर से की जा रही है और जिस तरह से ज्ञानेंद्र भी बता रहे थे कि उनको आमने सामने बैठा करके भी क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता है, तो वो भी अपडेट लगातार आगे हम आपको देते रहेंगे। बहुत धन्यवाद अंकित आपका, ज्ञानेंद्र और मनोज वर्मा आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद पूरे अपडेट के लिए, आगे भी अपडेट के लिए आपसे जुड़ते रहेंगे। तो देखिए, लगातार इस मामले में सीबीआई कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है और पूरा अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।